आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी प्रेशर कुकर में। 1 kg चिकन में 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लहसुन, 1/2 छोटा चम्मच अदरक, 8 से 10 मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 कप दही डाल करके हम इसे मिक्स करके 1 घंटे तक बाहर छोड़ देंगे या फिर आप फ्रिज में ओवरनाइट रख सकते हैं। अब हम एक कुकर को गर्म करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, थोड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और पत्थर के फूल डालेंगे। और उसके बाद हम 500 ग्राम प्याज को डाल करके इसे लो फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट जैसा ना हो जाए। आप चाहें तो प्याज को फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसी में चिकन को डालेंगे, हमें कहीं भी अलग से चिकन को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन, 1/2 छोटा चम्मच अदरक डालेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे। इसे 10 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। कुक करने से जो चिकन पीसेज हैं वो काफ़ी अच्छे बनके तैयार होंगे। अब आप इसमें 1 कप दही डालेंगे और 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला डाल करके इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। मैंने बिरयानी मसाला की रेसिपी एंड में डाली है, आप देख सकते हैं। इसमें दही डालने से क्या होगा, जो टेस्ट है वो बिरयानी का बढ़ जाएगा। अब हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और हम इसमें धनिया और पुदीने के पत्ते डालेंगे। ये 2 कप चावल है, मैंने इसे 1/2 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। आप बिल्कुल ही नए चावल का उपयोग कभी भी प्रेशर कुकर में बिरयानी बनाने के लिए ना करें, ये 1 साल पुराना चावल है। पानी हम 3 कप ही डालेंगे, पानी बिल्कुल भी आप ज़्यादा ना डालें। थोड़ा सा आप सेफ्रॉन सोक वाटर डाल सकते हैं या फिर सेफ्रॉन कलर डाल सकते हैं जिससे कि इसका कलर काफ़ी अच्छा लगे। अब हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालेंगे और इसे सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी आने तक ही पकाना है। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा कुक ना करें, अदरवाइज़ ये हलवा जैसा हो जाएगा। और उसके बाद जब इसका प्रेशर अपने आप खुल जाएगा तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। रायता के साथ भी खा सकते हैं आप इसे, और इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चिकन पीसेस काफ़ी अच्छे से कुक हो गए हैं, और भले प्रेशर कुकर में बिरयानी बनी है बट दही डालने से जो चिकन है वो भी काफ़ी जूसी बनते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि जो बिरयानी है वो प्रेशर कुकर में थोड़ी ना बनती है, बट आप बना के ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बनती है। बस हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, दही ज़्यादा डालना है। आज हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। मसालों को आप चाहें तो 1/2 घंटा कपड़े से ढक के धूप में सुखा लें या फिर लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक भून भी सकते हैं। 30 ग्राम हम छोटी इलायची डालेंगे, 4 लाल मिर्च डालेंगे, 3 फूल हम जावित्री के डालेंगे, 1/2 जायफल, 15 लौंग, 3 बड़ी इलायची, 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 8 तेज पत्ता डालेंगे, नॉर्मल जीरा या फिर 2 बड़े चम्मच शाही जीरा डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम साबुत धनिया डालेंगे, 1/2 बड़ा चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। मसालों को बहुत देर तक ना पीसें, पल्स मोड पर धीरे धीरे पीसें, नहीं तो मसालों का तेल बाहर आ जाएगा। ठंडी होने पर आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि जो मसाले का स्मेल है वो बना रहे। 750 ग्राम बिरयानी में मटन या चिकन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच ये बिरयानी मसाला डालें। हमारे घर में ये जो मेंबर हैं इनको अच्छी चीज़ की खुशबू बहुत जल्दी आ जाती है, अब इनको पता चल गया है कि कुछ अच्छा बनने वाला है। आप इस बिरयानी मसाले को चाहें तो तहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कभी थके हुए रहें या फिर कम टाइम हो और बच्चे बिरयानी मांग रहे हो तो आप इस तरीके से प्रेशर कुकर में एक बार बना के ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि प्रेशर कुकर में ख़राब बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कर सकते। थैंक यू।